बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और खुशबाश रह रहे होंगे। और मैं जो आज टॉपिक लाया हूँ आपके लिए वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का आर्डर 42, और ये डील करता है अपील फ्रॉम एपेलेट डिग्री, यानी कि सेकंड अपील को डील करता है। और ये अपील जो होती है ये हाई कोर्ट के अंदर होती है, और इसके अंदर जो रेलेवेंट रूल हैं वो रूल एक है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल एपलेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और साथ में जो बेल आइकन है जब उभरेगा तो आप उसको भी प्रेस कर दें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बतातल मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब ये सेकंड अपील या अपील अगेंस्ट डिग्री ये हाई कोर्ट के अंदर होती है, और हाई कोर्ट के अंदर ये जो अपील आप सेकंड अपील दायर करेंगे तो इसके अंदर सीपीसी बनाने वालों ने ये क्लियर कट इस बात को कहा है कि जब भी सेकंड अपील आप करेंगे तो उसके अंदर वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे जो आर्डर 41 के अंदर फर्स्ट अपील के अंदर फॉलो होती हैं, तो वही इस सेकंड अपील के अंदर या जो आप अपील हाई कोर्ट के अंदर करती हैं, ये जो एपेलेट कोर्ट ने जो डिग्री इशू की होती है या जो जजमेंट होती है उसके अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहती हैं तो आप हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। और इसके लिए जो रूल्स जो फॉलो करने हैं वो आपने आर्डर 41 के अंदर जो मेंशन है, जो 1 से लेकर 36 तक हैं, उनके अंदर जो आपके जो कंसर्न ऑर्डर्स हैं आप उनको फॉलो करके आप सेकंड अपील हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे नई वीडियो के आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।